नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। घोसी उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। सत्ता पक्ष पर मुस्लिम बस्तियों की बिजली काटने का आरोप। नगर पंचायत के सभासदों को थाने में बैठाया गया। शिवपाल सिंह यादव ने संभाला मोर्चा। खबर जनपद मऊ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा की एकमात्र सीट घोसी, जहां उपचुनाव के चुनाव प्रचार का अंतिम चरण है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव चुनाव प्रचार के लिए घोसी में जमे हुए हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष द्वारा मुस्लिम बस्तियों की बिजली कटवाने तथा सभासदों को थाने में बैठाकर सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट दिलवाने का दबाव बनाने के आरोप पर डीएम और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कहा है। दहशत में डालना चाहते हैं मालिक लोगों को, एक वर्ग के लोगों को ये दहशत में डालना चाहते हैं, उनको जरा धपाना चाहते हैं। तो कितने लोगों का, लगभग कितने लोगों का जाती है? हाँ, ये ऐसे वक्त में जब जुमा का दिन है और सारे लोग जुमा के नमाज में गए हैं और घर में आना, औरतों से कागज वगैरह मांगना, ये औरतों के साथ जाती है। आपका तार है ये? नहीं, इनका मकान अब यही है। और भी देखिए, यहाँ पे और भी हम आगे लेकर चल रहे हैं और वहाँ पे देखिए, ये सब तार काट दिए गए हैं। जबकि गर्मी या टेम्परेचर की बात किया जाए तो यार गर्मी तो आज बहुत ज्यादा। कम्प्लेन थी प्रशासन की तरफ से, थानों की तरफ से, कहीं बिजली के तार काट दिए जा रहे थे, कहीं पानी काट दिया जा रहा था और धमकियां मिल रही थी। थानों में बैठ कर के थाना अध्यक्ष और सीओ मिल कर के कई सभासद लोगों को बुला करके उनको धमका रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। तो वैसे तो हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहां पहुंच गए थे, लेकिन इस तरह की शिकायतें थीं तो इसलिए मैंने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान साहब से अभी गए थे, उनसे कहा निष्पक्ष चुनाव कराइए, पारदर्शी चुनाव दिखना चाहिए, पारदर्शिता दिखना चाहिए। तो ये मैंने उनसे कहा जा कर के, और बहुत सी शिकायतें थी तो सभी शिकायतों को डीएम और पुलिस कप्तान से मैंने रखी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष और कहीं इस तरह के अगर कहीं पर शिकायतें मिलेंगी तो हम उसे रोकेंगे। देखिए, पूरी तरह से निर्वाचन राजा संहिता का पालन करना चाहिए। अगर ये डिप्टी सीएम या कोई मंत्री राजा संहिता का उल्लंघन करेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। और यहाँ की देखिए जनता मन बना चुकी है सुधाकर सिंह को जिताने। अगर इस तरीके से वो चुनाव में गड़बड़ियाँ करेंगे तो हमारे जितने भी समाजवादी के लोग हैं और पूरे इंडिया जो अलायंस हुआ है उसके लोग इसका जम करके विरोध करेंगे और उनको दिखा देंगे कि हमारा भी संगठन है, इंडिया के लोगों का भी संगठन है, तो पूरी तरह से हम विरोध करके ऐसा नहीं होने देंगे और लगातार हम राजद संहिता का पालन करते हुए जब तक यहाँ चुनाव नहीं हो जाता है और तब तक हम यहीं पर रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का आज मोदी ने उसका क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे जो इंडिया के दो दिन मीटिंग हो रही है, अब जो भी उनका निर्णय लेंगे उनसे बात करके उस पर फिर हम आपसे बात कर लेंगे। प्रसाद मौर्य ने कहा कि उसमें जितने लोग गए हैं जेल जाने की वजह से बचने के लिए वहाँ पे गए हैं। अच्छा, इनका इतिहास कौन नहीं जानता है? और अभी देखिए, ये 15 महीना पहले समाजवादी पार्टी ने इन्हें वहीं पर सराथू में निपटा दिया था और फिर जब अभी मैनपुरी में गए थे, बड़ बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या क्या बोल रहे थे। और ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब शगुन हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता है, तो यहाँ भी आए तो देख लेना समाजवादी पार्टी का वोट अब यहाँ फिर बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हरा है। 50,000 वोटों से भाजपा जीतेगी, सभी लोग कह रहे हैं। अच्छा, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं,
काम कहीं करते नहीं। दूसरे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितना बोलते हैं, छापा कितना छापा मारे थे, और पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। और हम ये भी जानते हैं वो किस नर्सरी से आए हैं, ये भी हम जानते हैं, उनके बारे में हम क्या नहीं जानते हैं। सर क्या कहा जाए कि घोसी में अगर प्रसारित करेंगे, अगर प्रशासन के लोग समाजवादी पार्टी से जवाब देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन और अब तो हमारा इंडिया का संगठन पूरा मजबूती के साथ इनका मुकाबला करेगा, तब बता देंगे कि संगठन क्या चीज़ होती है। हम कहीं आंदोलन और उससे कहीं डरने वाले थोड़े हैं। योगी जी आ रहे हैं, रेडी है, चलिए आएंगे, आए के चले जाएंगे, झूठे वादे करके चले जाएंगे, हैं, झूठे ही तो वादे करते हैं, करते तो कुछ नहीं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए मऊ से